डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को याद है, हमने बीएससी पार्ट थर्ड के लिए यूनिट थर्ड स्टार्ट की थी, जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम आपके लिए इसी यूनिट का एक अगला लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने देख रखा है क्या पढ़ रहे थे, हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन देखा था उनका किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद हमने मोनोसैकेराइड शुरू किए थे। मोनोसैकेराइड्स में हमने जिसका एक इम्पॉर्टेंट मोनोसैकेराइड हो से लेकर उस मोनोसैकेराइड्स की रिएक्शंस देखी कि आखिर जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो किस तरह की रिएक्शंस देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड था जो था ग्लूकोज, उसको लिया था हमने मोनोसैकेराइड्स में से, उसका स्ट्रक्चर देखा था, उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर देखी थी, उसकी क्लोज चेन स्ट्रक्चर देखी थी। फिर हमने ग्लूकोज की फॉर्मेशन, उसकी रिएक्शंस देखी थी, जो कि क्या होती है, मोनोसैकेराइड्स की कॉमन रिएक्शंस है, यानी जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं उसी तरह की रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होता है कि जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी, क्या पढ़े, ग्लूकोज की रिएक्शंस देखे। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे ग्लूकोज रिएक्शन देता है वैसे बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शंस कौन देता है, फ्रक्टोज भी देता है, क्योंकि फ्रक्टोज भी ये क्या है, मोनोसैकेराइड है। इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ने के बाद जब इतनी सारी रिएक्शंस दे दी गई थी, फिर बोला कि नहीं भाई, ग्लूकोज की तो चक्रीय संरचना होती है। फिर उसके बाद क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी थी, इतनी रिएक्शंस तो ग्लूकोज की ओपन चेन से पॉसिबल थी, हो गई दे दी, लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी थी जो कि ओपन चेन से पॉसिबल नहीं थी। तो फिर ये कहा गया कि नहीं भाई, इसकी तो चक्रीय संरचना होती है। वो कि हम पहले देख चुके हैं कि कौन सी रिएक्शंस थी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से पॉसिबल नहीं थी लेकिन चक्रीय संरचना से पॉसिबल थी। ठीक है, तो वहाँ हमने ग्लूकोज की रिएक्शंस देखे जो कि ओवरऑल मोनोसैकेराइड्स के रिएक्शंस हैं। अब हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज तीनों के द्वारा दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे जो कि किसके द्वारा दी जाती है, ग्लूकोज भी देते हैं, फ्रक्टोज भी देते हैं, मैनोज भी देते हैं। और खास बात, जब ग्लूकोज उस जो कि पहले देख लेते हैं कौन सी रिएक्शन है, जो हमारा रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है ओसाजोन फॉर्मेशन या ओसाजोन निर्माण। सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं देता, फ्रक्टोज भी देता है, डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज डी मैनोज तीनों ही क्या बनाते हैं, ओसाजोन बनाते हैं। और जब ये तीनों ओसाजोन बना लेते हैं, मान लो एक ग्लूकोज का ओसाजोन है, एक फ्रक्टोज का ओसाजोन है, एक मैनोज का ओसाजोन है, तो अब तीनों में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते। यानी कि जब एक बार ये ओसाजोन बना लेते हैं तो तीनों की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, एक जैसे हो जाती है, क्योंकि ओसाजोन का निर्माण जो है वो केवल प्रथम दो कार्बन परमाणुओं पर ही होता है, जो पहला कार्बन है और जो ऊपर से जो पहला कार्बन है और दूसरा कार्बन है, वहां पर ही ओसाजोन का निर्माण होता है, बाकी के जो नीचे के कार्बन है उन पर ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं होती। तो क्या हुआ, तो देखा गया कि जब ये तीनों ही ओसाजोन बना लेते हैं तो तीनों ही एक जैसे ओसाजोन बनाते हैं, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ओसाजोन बन गया तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा ग्लूकोज से बना था, कौन सा फ्रक्टोज से बना था और कौन सा मैनोज से बना था, यानी तीनों के ओसाजोन क्या होते हैं, एक जैसे बनते हैं प्रथम दो कार्बन परमाणु पर बनने के कारण। तो अब हम देखते हैं कि ओसाजोन का निर्माण कैसे होता है, देखते हैं। यहां देख सकते हैं किस किस में बनता है, ग्लूकोज, जब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, और ये सभी बनते डी फॉर्म है, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी मैनोज को किसके साथ, फेनिल हाइड्राजीन के आधिक्य। कल रिएक्शन देखी थी हमने फेनिल हाइड्राजीन के साथ, अब वही रिएक्शन हमको दोबारा करनी है, लेकिन कब कैसे करनी है, आधिक्य में करनी है, मतलब एक्सेस, जब हमारे पास फेनिल हाइड्रोजन क्या होगा, आधिक्य में होगा, एक्सेस में होगा। तो क्या हो गया, जब ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी मैनोज का फेनिल हाइड्रोजन के आधिक्य में क्या किया जाता है, के आधिक्य, आधिक्य के साथ अभिकृत किया जाता है, अभिकृत किया जाता है, तो एक
पीले रंग का कैसा बनेगा? ओसा जो जो बनेगा उसका कलर कैसा होगा? पीला। तो ये क्या बनता है? पीले रंग का क्रिस्टल ही है, पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ, पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ बनता है, बनता है, जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे ओसाजोन कहते हैं। तीनों के साथ ही बनता है, सेम रिएक्शंस होगी ग्लूकोज फ्रक्टोज डी मैनोज के साथ। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखें, क्रिया विधि। मैकेनिज्म इसका एक मैकेनिज्म था, एक साइंटिस्ट थे फिशर, उन्होंने दिया था, लेकिन जो उनका मैकेनिज्म था वो सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने मैकेनिज्म में दिया कि जो फिनाइल हाइड्रोजन है वो ऑक्सीकृत कर देता है हाइड्रोक्सिल समूह को एल्डिहाइड में, जबकि हाइड्रोजन जो है वो तो क्या है, प्रबल अपचायक है, और जो प्रबल अपचायक है वो ऑक्सीकृत कैसे कर सकता है। तो फिशर के जो मैकेनिज्म था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म सही मैकेनिज्म है वो किसने दिया था? वेग्यार्ड ने, एक साइंटिस्ट थे वेग्यार्ड, उन्होंने इसका सही मैकेनिज्म दिया। उन्होंने बताया कि जब ग्लूकोज से या फ्रक्टोज से या मैनोज से ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है तो वहां एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं आमाडोरी रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं हम? आमाडोरी रीअरेंजमेंट। देखते हैं कैसे होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम था वेग्यार्ड, तो यहां लिख सकते हैं साइंटिस्ट थे वेग्यार्ड नामक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि ओसाजोन का निर्माण किसके द्वारा होता है? आमाडोरी रीअरेंजमेंट। यहां पर क्या होता है? आमाडोरी रीअरेंजमेंट होता है, तो आमाडोरी रीअरेंजमेंट द्वारा होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि ओसाजोन का निर्माण कौन से रीअरेंजमेंट होता है, तो अरेंजमेंट का नाम है आमाडोरी रीअरेंजमेंट। और किसने बताया था? ये साइंटिस्ट थे वेग्यार्ड नाम के, तो वेग्यार्ड साइंटिस्ट ने बताया था कि आमाडोरी रीअरेंजमेंट द्वारा होता है। तो हम देखते हैं ग्लूकोज का निर्माण, ओसाजोन का निर्माण किन स्टेप्स में होता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? ग्लूकोज होना चाहिए, तो ग्लूकोज बना लेते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं, C11OH और यहाँ पर COH और यहाँ पर H। इसके नीचे भी कार्बन होंगे, क्योंकि हम बार बार पूरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, बार बार पूरी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पूरी स्ट्रक्चर को अगर हम बार बार ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या मान लेते हैं? इसके नीचे जो भी ग्रुप आएंगे उनको हमने क्या मान लिया? आर। ये होता है ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, C11O C। यहाँ पर CH2OH, OH, H, OH, H, OH, H, OH और H। तो केवल हमने ये दो कार्बन परमाणुओं को लिखा है, बाकी ये जो पूरा ग्रुप है इसको क्या मान लिया है हमने? R मान लिया है। ये जो पूरा ग्रुप है इसको क्या मान लिया है? R मान लिया है, क्योंकि जो रिएक्शन होगा वो इन ग्रुप पर ना होकर के केवल इन्हीं दोनों का, पहले कार्बन पर और कार्बन नंबर 2, 1 और 2, पहले दूसरे कार्बन पर ही होगा जो भी रिएक्शन होगा, इन पर नहीं होगा, ये अनअफेक्टेड रहेंगे, इसलिए हमने इनको बार बार ना लिखना पड़े, तो इसको क्या मान लिया है? इसको हमने मान लिया आर। ठीक है, तो मिटा दो इसे। तो देखते हैं क्या होगा, यहां पर पहले कॉमन रिएक्शन लिख दो, क्या होता है? ये है फिनाइल हाइड्रोजन NH2 NH PH, पीएच का मतलब पीएच जो रिंग है उसको खोल के लिखूं तो C6H5, कल भी लिखी थी हमने, तो उसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पीएच लिखेंगे। तो जब हम 3 मोल, इसके कितने मोल ले रहे हैं? 3 मोल, यानी एक्सेस में ली
जा रही है, एक मोल से तो काम नहीं हो रहा, कितने लेने पड़ रहे हैं हमको, 3 मोल। तो हमको फाइनली हमको क्या मिलेगा, हमको फाइनली मिलेगा एन एन एच पी एच एच और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड एन एन एच पी एच और बाकी का जो हमारा पूरा आर ग्रुप था जो ऐसे का ऐसे रहेगा, यहाँ पूरा लिख दें क्या होगा, यहाँ पर ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच और यहाँ पर सी एच टू ओ एच, ये पूरा लिखेंगे, कॉमन रिएक्शन है ये हमारा सी एच टू ओ एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच। ये क्या था हमारा, ये था ग्लूकोज और ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ओसाजोन। क्या बन गया ये हमारा, ओसाजोन बन गया, क्या बन गया, ओसाजोन बन गया, दिख रहा होगा आपको क्या बन गया ये हमारा पूरा ओसाजोन बन गया है। अब हमें इसकी मैकेनिज्म देखनी है। ये तो था हमारा रिएक्शन कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 3 फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और हमको हमें क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट में ओसाजोन। तो अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर ये ओसाजोन का निर्माण कैसे होता है। तो मैं पूरा बोर्ड खाली करूंगी क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी मैकेनिज्म में, ठीक है। ये रिएक्शन है, अब इसका मैकेनिज्म देखना है, नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लीजिए जल्दी से, मिटा दूं। बाकी के ग्रुप को हमने क्या मान लिया है, आर। तो यहाँ पर पहला मॉलिक्यूल NH2NHPH 3 मोल्स लिए थे, इसका पहला मोल, अरे यार अब दिख रहा होगा ना, लगता है मुझे पहले लाइन बनानी पड़ेगी कि किसके कितने अंदर लिखना है, नीचे कहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसका तो हमने रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म कैसे रिएक्ट करता है, ये कैसे डबल बॉन्ड ओ की जगह ये जुड़ जाता है, उसका मैकेनिज्म हम पहले ही मेरे लेक्चर्स में बता चुके हैं, उसमें आप देखिएगा जब हमने किसके साथ रिएक्शन कराई थी, फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब रिएक्शन कराई थी तो हमने देखा था कि ये कैसे जुड़ता है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही फिनाइल हाइड्रोजन भी जुड़ेगा। तो मैकेनिज्म आप वहां से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस H2O बाहर निकल जाएगा, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा एच सी डबल बॉन्ड एन एन एच और ये पी एच जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है एच, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा किस पर, नाइट्रोजन पर। ये जो बॉन्ड है ये किस पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा यहाँ पर, मैंने बोला था ना वेगैंड ने बताया था कि ये जो ओसाजोन का निर्माण है ये किससे होता है, रीअरेंजमेंट द्वारा होता है, कौन सा रीअरेंजमेंट, आमाडोरी रीअरेंजमेंट। तो एक बार यहाँ से जैसे ही फिनाइल, जैसे ही ग्लूकोज का क्या बना, ओसाजोन बना, फिनाइल ओसाजोन वहां पे, सॉरी फिनाइल हाइड्रोजोन बना, अभी क्या बना है ग्लूकोज का, फिनाइल हाइड्रोजोन, जो कि हमने पिछले रिएक्शन में भी देखा था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि एटम्स की शिफ्टिंग होगी, इनका दोबारा से रीअरेंजमेंट होगा, जिसे क्या कहते हैं हम, आमाडोरी रीअरेंजमेंट। तो अब यहाँ पर जो शिफ्टिंग होने वाली है उसे हम क्या कहेंगे, आमाडोरी रीअरेंजमेंट। तो कैसे होगा ये आमाडोरी रीअरेंजमेंट देखते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा, जैसे ही ये बॉन्ड कार्बन से टूटकर नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा तो कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन बनेगा। तो इस कार्बोकैटायन को ना बने इससे
पहले कि यहाँ पर कार्बो कैटायन बने, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड नाइट्रोजन पर जाएगा, नाइट्रोजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड नाइट्रोजन पर माइग्रेट किया, नाइट्रोजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड के टूटने से क्या क्या हो रहा है देखिए, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, कार्बन पर क्या जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में, और यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, जिसको कौन ले लेगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया है वो क्या कर लेगा, यहाँ से H प्लस को ले लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ये एच सी एन, और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो यहाँ जुड़ गया, और सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर ओ, और यहाँ पर एच, यह एन, यहाँ पर एच जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, पीएच जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा बन गया। ये जो रीअरेंजमेंट हुआ एटम्स का, इसी को क्या कहते हैं, आमाडोरी रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं, आमाडोरी रीअरेंजमेंट। अब आगे क्या होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, हम जानते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा। कैसा बॉन्ड होगा, ये पोलर बॉन्ड होगा। पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये क्या करेगा, ये पोलर बॉन्ड है, यहाँ पर डेल्टा प्लस है, और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। अब क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा यहाँ से, तो ये जो बॉन्ड है ये क्या शिफ्ट हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ गया। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, यहाँ लिख देते हूँ मैं, ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही रही थी, तो ये जो बॉन्ड है ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ, जैसे ही ये बॉन्ड जाएगा, इस नाइट्रोजन के तो ऑलरेडी चार बॉन्ड बन रहे, चार बन नहीं रहे, लेकिन एक तो क्या कहते हैं इसको, अट्रैक्शन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो क्या बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, अच्छा आर ग्रुप ने लिखा है, यहाँ पर भी आर ग्रुप ने लिखा है, लगा लीजिएगा। तो क्या बना, ये बना कार्बोनेट, ये बना सी एच, और यहाँ पर क्या बना, डबल बॉन्ड एन और एच, और क्या बाहर निकल गया, यहाँ से कुछ बाहर निकल गया, क्या बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर निकला NH2PH, ये क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, माइनस हो गया NH2PH, क्या हो गया, जैसे ये बॉन्ड यहाँ जाएगा ये हाइड्रोजन को ले लेगा H प्लस को, तो NH2PH क्या हो गया, बाहर निकल गया। अभी ये बॉन्ड नहीं है, ये जो मैंने डॉट डॉट से दिखाया है ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बॉन्ड नहीं होता है। तो ये बॉन्ड जब क्या करेगा, इसको यहाँ दिखाने का मतलब क्या है, इसका दिखाने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्शन हो रही थी, अब ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इतने समझदार तो होंगे यार लोग। अब आगे क्या होगा, आगे दूसरा में क्या, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, हमने तीन मॉलिक्यूल लिए थे ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा NH2NH PH। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है और ये है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वही पहले की तरह H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल गया, तो क्या बना, सी सी डबल बॉन्ड एन एन डबल बॉन्ड एन एन एच पी एच, और यहाँ डबल बॉन्ड एन एच, और यहाँ पर है H। ठीक है, और यहाँ R। अब क्या होगा, अब तीसरा मॉलिक्यूल काम आएगा, H2NH PH, कितना बन गया, अब ओसाजोन बनाना है, फाइनल स्टेप है। अब दोबारा से ये स्टेप होगा, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा कि यहां से यहां NH2 है और यहां H है, तो यहां से NH3 जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर, यहां से कौन बाहर हो जाएगा, यहां से NH3 बाहर हो जाएगी, और इसकी जगह पर जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा कौन जुड़ जाएगा, NH3, तो यहाँ से कौन बाहर निकलेगी, अमोनिया बाहर निकल जाएगी, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ H डबल बॉन्ड N, जो हाइड्रोजन टूटा था उसकी जगह कौन आ गया, NH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N NH3, और यहाँ पर R, और यही क्या है हमारा, यही तो है हमारा ओसा
जोड़। तो इस तरीके से अमाडोरे रीअरेंजमेंट द्वारा ओसाजोन की फॉर्मेशन होती है। अगर अमाडोरे रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो ओसाजोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो मेन स्टेप क्या है, जहां पर हमारा रीअरेंजमेंट हुआ था, जहां पर हमारा रीअरेंजमेंट हुआ था, अमाडोरे रीअरेंजमेंट। तो आप नोट कीजिए यह मैकेनिज्म, ठीक है। सेम रिएक्शन किसके साथ होगी, फ्रक्टोज के साथ होगी। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन किसके साथ होगी, फ्रक्टोज के साथ होगी। और फ्रक्टोज पे भी, फ्रक्टोज पर क्या होता है, एक मिनट दिखाऊं मैं अगर आपको। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज दिया ना CH2OH C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और बाकी का तो ऐसे ही है OH H OH OH H H और यहां पर CH2OH। ये क्या है हमारा, यही तो है फ्रक्टोज। ये क्या है हमारा, फ्रक्टोज है। तो यहां पर भी अगर ये रिएक्शन कराऊं NH2 NHPH, मैकेनिज्म सेम होगा। तो क्या होगा, पहले कार्बन पर भी ओसाजोन बनेगा N NHPH और दूसरे कार्बन पर भी क्या बनेगा, ओसाजोन बनेगा N NHPH, ठीक है। बाकी क्या होगा, तो बाकी क्या होगा, बाकी का तो ग्रुप ऐसे ही रहेगा OH H C OH H OH, यहां पर H और नीचे CH2OH। ये क्या है, ये भी क्या बन गया, ओसाजोन। लेकिन ये वाला ओसाजोन किससे बना है, फ्रक्टोज से। क्या बन गया, ये भी ओसाजोन बन गया, किससे बना है ये वाला ओसाजोन, फ्रक्टोज से। चलिए अब ये ग्लूकोज के ओसाजोन को भी मैं खोलकर लिख देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या होगा, ये H था, ये OH OH H OH H और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। ये ग्लूकोज से बना हुआ ओसाजोन है और ये फ्रक्टोज से बना हुआ ओसाजोन है। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है ओसाजोन में, नहीं ना। लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस था, ग्लूकोज में क्या था, ऊपर CHO ग्रुप था, यहाँ CHOH था, है ना। और फ्रक्टोज में क्या है, ग्लूकोज में क्या था, ऊपर CHO, जबकि यहाँ पर क्या है CH2OH, यहाँ पर अगले कार्बन पर CHOH था, जबकि यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस था, लेकिन जैसे ही इन दोनों ने क्या किया, ओसाजोन बना लिया, इन दोनों में अब कोई डिफरेंस नहीं है। यही तो मैंने कहा था, ग्लूकोज फ्रक्टोज डी मेनोज से जो ओसाजोन बनेंगे उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर मैं बाकी सब कुछ मिटा दूं, केवल इन दोनों को लिखा रहने दूं, तो आप बता नहीं सकते कि कौन ग्लूकोज से बना था और कौन फ्रक्टोज से बना था। दोनों ही पीले रंग के होंगे, दोनों ही क्रिस्टलीय पदार्थ होंगे, तो इनकी पहचान नहीं की जा सकती। पहचान कब थी, पहचान तो यहाँ थी, क्योंकि यहाँ पर पहले और दूसरे कार्बन पर डिफरेंस था, यहाँ पर भी पहले और दूसरे कार्बन पर डिफरेंस था, और जिस कार्बन पर डिफरेंस था वही तो ओसाजोन बन गया। तो जो डिफरेंस था वो भी खत्म हो गया, इसलिए इनके जो ओसाजोन बनते हैं वो सेम बनते हैं, ठीक है। तो मिटा देती हूँ, आगे देखते हैं। अब यहां पर ये जो रिएक्शन हुई ओसाजोन की फॉर्मेशन की, ये क्वेश्चन उठता है कि बाकी के कार्बन पर क्यों नहीं हुई, केवल फर्स्ट टू कार्बन पर आकर ही क्यों रुक गई, आगे रिएक्शन क्यों नहीं हुई, फर्स्ट दो पर ही आकर क्यों रुक गई। तो इसका वैज्ञानिक ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया, फिशर ने। फिशर ने बताया कि क्या होता है, ओसाजोन बनाए, तो फिशर ने क्या बताया कि आखिर ओसाजोन पहले दो कार्बन पर ही क्यों होता है, आगे क्यों नहीं होता। इसके लिए उन्होंने बताया कि यहां पर क्या हो जाता है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बाकी की मैं पूरा खोलकर दिखा देती हूँ। OH, और यहाँ पर CH2OH, H, यहाँ पर क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि यहाँ अगर मान लो मैं इस पर रिएक्शन करा देती हूँ, यहाँ पर भी यही बना देती हूँ NH PH, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा? ये इस साइड है, ये अपोजिट साइड है, तो क्या ये स्टेबल हो पाएगा? ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ओसाजन बना, यहाँ पर भी अगर मैं रिएक्शन करा दूंगी फिनाइल हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। क्या यहाँ पर पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं पॉसिबल है, है ना। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है, तो इन्होंने सुझाव दिया ऐसा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन प्रथम दो कार्बन पर ही आकर रुक जाती है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसने सुझाव दिया था? फिशर ने, क्योंकि वैज्ञानिक तो बता नहीं पाए कि पहले और दूसरे कार्बन पर ही आकर क्यों रुक रही है रिएक्शन। तो किसने बताया था? फिशर ने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ओसाजोन स्थाई हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थाई हो जाता है। इसलिए रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करती, क्योंकि अगर आगे बनेगा तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, स्थाई हो जाता है, या ऐसा लिख रहे हैं स्थाई हो जाता है, क्योंकि प्रथम दो कार्बन पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव है। जैसा कि मैंने देखा, ये तो अपोजिट साइड है, तो यहाँ से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल पहले और दूसरे कार्बन के बीच, यानी ऊपर जो ग्रुप जुड़े हुए उन्हीं के बीच पॉसिबल है, जिस वजह से ये जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड नहीं होती। तो ये थी हमारी ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, ये ग्लूकोज में भी है, फ्रक्टोज में भी, सबकी रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगी ओसाजोन फॉर्मेशन, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटरकन्वर्टन। अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर कन्वर्जेंस, यानी एक दूसरे में परिवर्तन, कि एक से दूसरा कैसे बनेगा, दूसरे से पहला कैसे बनेगा। हिंदी में बोलूं तो इसे अंतर परिवर्तन, ये नया टॉपिक है हमारा अंतर परिवर्तन। यहाँ हम डिफरेंट तरह के अंतर परिवर्तन देखेंगे, कि एक से दूसरा कैसे बनेगा, दूसरे से एक कैसे बनेगा, वो रिएक्शन हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला हम देखेंगे सबसे पहला क्या है हमारा? सबसे पहला है एल्डोज ले लें, एल्डोज का कीटोज में परिवर्तन। एल्डोज शुगर कौन सी है हमारी? इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्डोज कौन सा है हमारा? हम ले रहे हैं एल्डोज में, क्या ले रहे हैं हम? कोई एग्जांपल तो लेकर चलना पड़ेगा ना हमें एल्डोज का। तो एल्डोज में हमने ले लिया ग्लूकोज, और कीटोज में कौन आता है? कीटोज में आता है फ्रक्टोज। ये शुरुआत में बताया था मैंने, जब हम सिगरेट पढ़ाए थे, दो तरह के होते हैं, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में हमने एग्जाम्पल लिया था ग्लूकोज का, और कीटोज में हमने एग्जाम्पल लिया था फ्रक्टोज का। तो बेसिकली ये क्या है? ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन। देखते हैं कैसे होता है, ये देखना है हमें कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये कई स्टेप्स में होती है, ये रिएक्शन कई स्टेप में होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं यह परिवर्तन निम्न पदों में होता है। कौन कौन से पद है देखते हैं, कई सारे स्टेप्स में होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहला स्टेप वही है जो जस्ट अभी हमने पढ़ा है। इससे पहले वो हम क्या पढ़ रहे थे? ओसाजोन पढ़ रहे थे ना। तो सबसे पहले वही होगा, ग्लूकोज का क्या बनेगा? ओसाजोन का निर्माण होगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या लिखेंगे? ग्लूकोज
से या ग्लूकोज का लिख लें, ग्लूकोज का ओसाजोन, ग्लूकोज से लिखो, ग्लूकोज से ओसाजोन का निर्माण होता है। यानी पहले स्टेप में क्या बनेगा, ओसाजोन बनेगा, सबसे पहले ओसाजोन बनेगा, उसके बाद आगे रिएक्शन होगी। जो ओसाजोन बनेगा उसका हम क्या करेंगे, आगे रिएक्शन में क्या करेंगे, ओसाजोन का तनु HCl द्वारा, तनु HCl द्वारा क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बना, ओसाजोन का निर्माण होता है, फिर ओसाजोन का क्या किया जाता है, तनु HCl द्वारा जल अपघटन किया जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर जो बनेगा, जल अपघटन किया हमने तो इससे क्या बनेगा, ओसाजोन था, ओसाजोन का जल अपघटन किया जाता है, जिससे ऐसे लिख ले, जिससे क्या बनता है, ओसोन बनता है, क्या बनता है, ओसोन। जैसे ओसाजोन था ग्लूकोज से बना था, तो ग्लूकोसाजोन भी बोल सकते हैं उसे, तो ये ओसोन जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोसोन, क्या बोलेंगे, ग्लूकोसोन, क्योंकि ग्लूकोज से बन रहा है। तो आप ऐसे भी नाम देख सकते हैं, खाली ओसाजोन भी लिख सकते हैं, या ये दिखाने के लिए कि ये ग्लूकोज से बना है तो ग्लूकोसाजोन भी लिख सकते हैं। फिर उससे क्या बनेगा, ग्लूसोन बनेगा, ग्लूकोसोन बनेगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो ओसोन बना, क्या बना, ओसोन, तो इस ओसोन की जिंक व CH3COOH एसिटिक एसिड, तो जिंक व एसिटिक एसिड से, जिंक व एसिटिक एसिड से अपचयन करने पर, अपचयन करने पर एल्डिहाइडिक, एल्डिहाइडिक अपचयन करने पर एल्डिहाइडिक समूह, अपचयन करने पर एल्डिहाइडिक समूह का प्राथमिक, एल्डिहाइडिक समूह का प्राथमिक एल्कोहोलिक, एल्कोहोलिक समूह में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या बनता है, जिससे फ्रक्टोज बनता है, जिससे फ्रक्टोज बनता है, ये लिखा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी थ्री स्टेप्स में होगी। सबसे पहले स्टेप में क्या बनेगा, ओसाजोन, फिर ओसाजोन का क्या करेंगे हम, जल अपघटन कराएंगे HCl द्वारा, जिससे क्या बनेगा, ओसोन बनेगा, और फिर इस ओसोन का हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, किससे, जिंक और एसिटिक एसिड से। तो क्या होगा, जो एल्डिहाइडिक समूह होगा वो एल्कोहोलिक समूह में परिवर्तित हो जाएगा, और वही क्या कहलाएगा हमारा, फ्रक्टोज कहलाएगा, या कीटोज जो भी है हमारा वो कहलाएगा। तो ये कैसे होगी रिएक्शन, जरा देख लेते हैं, देखते हैं तो कैसे होगा। यहाँ पर लेके चलते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, डबल बॉन्ड OH, H, बाकी काम से लिख सकते हैं, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ओसाजोन, यानी कि जो भी हमने रिएक्शन की थी वो NH, 3H2N, NH, PH, और यहां से क्या बन जाएगा, मैकेनिज्म बार बार नहीं कराएंगे, अभी कराई थी मैकेनिज्म, तो CNH PH, C double bond NH PH, बाकी का एज इट इज रहेगा, CH2OH OH OH H, क्या बन गया, ये ग्लूकोज से बनाया तो मैं इसको बोलूंगी ग्लूकोसा जोन बन गया, कोसा जोन बना ना, ग्लूकोज से बनाया इसलिए मैंने इसे क्या नाम दे दिया, ग्लूकोसा जोन बन गया। अब मैं आगे क्या करूंगी, इसका डाइल्यूट HCl के साथ क्या करूंगी, जल अपघटन करूंगी, डाइल्यूट HCl के साथ जल अपघटन, जैसे मैं लिखती हूँ H+H लिखती हूँ ना मैं, H+H2, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन ये करूंगी। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो जैसे ही हम, अगर आपके पास ऐसी स्पीसीज मौजूद है जहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो,
और उसका अगर आप जल अपघटन करा रहे हो तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और जो बना जिससे बना था यानी डबल बॉन्ड वो वापस आ जाएगा। मैकेनिज्म मैं बताऊंगी बाद में अलग से, इस पर नहीं बताऊंगी कि इस पर बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, मैं अलग से बताऊंगी कि जल अपघटन कैसे होता है। तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड एन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड एन की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, और बाकी का एज इट इज रहेगा, नो चेंज। सी एच टू एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच एच, इसी को क्या कहते हैं हम, ओसोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, ओसोन। ग्लूकोज से बनाए इसलिए क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोसोन बन गया। क्या बन गया ये, ग्लूकोसोन बन गया, ग्लूकोसोन। अब मैं आगे इसका क्या कराऊंगी, जिंक और एसिटिक एसिड। अच्छा एसिटिक एसिड होता है सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ठीक है, ये आपको आगे भी काम आएगा क्योंकि जब हम बार बार पूरा फॉर्मूला खोलकर नहीं लिखते, और ना ये बार बार सी एच टू सी एच टू लिखते तो ये भी नहीं लिखते हम बॉन्ड लाइन। जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे ना तो वहाँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन मेंशन नहीं रहते, तो वहां पर इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, इतने पार्ट को क्या बोला जाता है, ए सी, और बाकी का क्या बचा हुआ, ओ एच। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखती हूँ, ए सी ओ एच भी लिख सकती हूँ। तो जहाँ पर आपको अगर ए सी ओ एच लिखा हुआ देखिए उसका मतलब क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, अपचयन कहाँ होगा, अपचयन होगा इस एल्डिहाइडिक कार्बन का, जैसा कि मैंने लिखा। यहाँ पर क्या होगा, अपचयन करने पर कौन सा समूह, एल्डिहाइडिक समूह किसमें चेंज हो जाएगा, एल्कोहलिक समूह में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि ये एल्डिहाइडिक है, यहाँ पर एक एच जुड़ेगा, एक एच यहाँ पर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, अपचयन हो जाएगा। कीटोनिक समूह का नहीं होगा, केवल किसका होगा, एल्डिहाइडिक समूह का होगा। तो मैं ये कैसे दिखाऊंगी, दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर सी एच टू और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ एच, बाकी ये सी डबल बॉन्ड वो ऐसा ही रहेगा क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसका अपचयन नहीं हुआ, और बाकी का हमारा ग्रुप वापस मिल जाएगा जैसा था, ओ एच ओ एच एच ओ एच सॉरी एच और एच। और ये किसका स्ट्रक्चर है, यही तो है हमारा फ्रक्टोज, यही तो है हमारा क्या, फ्रक्टोज। तो इस तरीके से ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्जन होता है, यही होता है एल्डोज से कीटोज का निर्माण होता है। तो ये हमने इसमें इतना ही पढ़ेंगे हम, बाकी के जो हमारे अंतर परिवर्तन है उनको हम कल कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म, देख लेते हैं कि जल अपघटन कैसे होता है, इसको मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिखा देंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाता है। बाकी इसका मैकेनिज्म हमने इससे पहले देख ही लिया, बस इसका देखना है कि यहाँ पर कैसे क्या होता है, जल अपघटन होता है। और ये जो अपचयन है, अपचयन का मैकेनिज्म आप जानते ही हैं, पहले भी करा चुके हैं हम, शायद सेकंड ईयर में बहुत किया होगा आपने अपचयन। ये जल अपघटन को दिखा देते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, मान लो ये है हमारे पास R C डबल बॉन्ड N और ये NH PH, ये है, इसका हमको क्या कराना है, अम्लीय जल अपघटन, जल अपघटन कराना है। तो क्या होगा, अम्लीय जल अपघटन कराना है तो क्या होगा, ये एसिडिक है, यहाँ पर नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या ले लेंगे, H प्लस को ग्रैंड डालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड एन यहाँ पर एच और ये क्या हो गया एन एच और पी एच, कितने बॉन्ड बन गए, चार। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाकी हमारे पास क्या है, एच टू ओ, एच टू ओ के पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आर सी एन और ये एच और एन एच और पी एच, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर ओ एच और एच, इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव, पहले ये अनस्टेबल था अब ये अनस्टेबल हो गया। अब क्या होगा, वही वही होगा जो अभी हुआ था, नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, ये क्या कर लेगा यहाँ से एच प्लस को ले लेगा, क्या कर लेगा यहाँ से एच प्लस को ले लेगा। तो ये बन जाएगा आर सी एन, एक एच पहले से था, एक और आ गया एन एच और पी एच, जैसे ही इसको ले लेगा इस पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पर चार बॉन्ड बने, नाइट्रोजन पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया ओ एच। फिर क्या होगा, लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेंगे यहाँ पर अटैक करेंगे, ठीक है, और ये बॉन्ड जो है वो क्या चला जाएगा बाहर चला जाएगा, ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है एच, ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है एच जुड़ा हुआ है, तो
उसमें से ही रह गया, नहीं कुछ में से नहीं रहा, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, जैसे ये बॉन्ड यहां से क्या करेगा, एक बार भी दिखा देते हैं, ये वाला ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अभी कार्बन के कितने हैं, तीन बॉन्ड है, सॉरी एक एच यहां पर आएगा, कार्बन के चार बॉन्ड तो होने चाहिए। तो यहां पर भी क्या होगा, ये जो एक एच था यहां पर ट्रांसफर हुआ, कहां गड़बड़ हुई, कहां गड़बड़ हुई, हमने पहले से एच, हाँ यहाँ गड़बड़ हुई, यहाँ हमने हाइड्रोजन एक दिखाया नहीं है, वही तो हम चार बॉन्ड क्यों हो गए, चार बॉन्ड तो रहेंगे ना कार्बन के, तो एक हाइड्रोजन तो पहले से ही था, ये हाइड्रोजन क्या है पहले से ही है, अब ठीक है, अब पूरी वैलेंसी है, ये बॉन्ड क्या होगा यहाँ शिफ्ट होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से क्या बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया NH2NHPF, क्या है यही तो है हमारा फिनाइल हाइड्राजीन, यानी फिनाइल हाइड्राजीन जो जुड़ा था वो पूरा बाहर निकल गया, अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एच प्लस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा ये RC डबल बॉन्ड और H, यहाँ पर H तो पहले से ही मौजूद था, तो H क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से वहां पर जो हमने पहले कार्बन पर एल्डिहाइड बनाया था वो इस तरीके से बनाया था, और दूसरे कार्बन पर एल्डिहाइड क्यों नहीं बना, क्योंकि दूसरा कार्बन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ था, जो दूसरा कार्बन था वो यहाँ पर हाइड्रोजन से नहीं, वो भी एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ था ना, जो कि कौन सा था, जो कि था सी डबल बॉन्ड एच वाला कार्बन, इसी कार्बन से तो जुड़ा हुआ था, तो ये वाला कार्बन केवल किसमें चेंज होगा कीटोन, तो मैकेनिज्म सेम रहेगा, इसी मैकेनिज्म से दोनों कार्बन पर क्या होता है जल अपघटन होता है, तो ये जल अपघटन का क्या है मैकेनिज्म है, इस तरीके से आपका जल अपघटन होगा वहां पर और ओसोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम और थोड़े से इंटर कन्वर्जेंस।